शब बीना का मतलब होता है कि रात को जागना और हमारे यहाँ इसका मतलब ये होता है कि रात को रमज़ान की जो बिलखसूस आखिरी रातें होती हैं उसमें जो हफाज होते हैं हाफिज होते हैं वो कुर मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत करते हैं मुख्तलिफ़ मकाम पर इसका इनका किया जाता है और सारी रात में बाज़ तीन रातों के अंदर बाज़ पाँच रातों के अंदर कुरान मजीद फरक़ान हमीद ख़त्म किया जाता है फी नफसी ही अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत हो रही है लेकिन अच्छा काम उसी वक्त अच्छा होता है जबकि शरीत मतहरा के असूल के मुताबिक हो अगर कोई खराबी इस तरह की आती है तो फिर लाजिम होता है कि उस खराबी को दूर किया जाए अब शबीने के अंदर आम तौर पर जो मुशाह है जो देखा जाता है वो ये है कि बसा अवकात तो जो मस्जिद का ऊँच बड़ा वाला माइक होता है बाहर का माइक उसे खोल दिया जाता है जिसकी वजह से जो आवाज़ होती है वो पूरे इलाके के अंदर गूंज रही होती है ये तरीक़ार ठीक नहीं है जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सुनना चाहते हैं वो मस्जिद के अंदर आए मस्जिद के अंदर जितनी माइक की हाजत है उतना इसको खोला जाए उससे जायद ना खोला जाए इसी तरह आ, इस शबीने का जो मकसद है वो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत करना और तिलावत को सुनना है लिहाजा उफ़ाज को चाहिए कि जिस तरह क़ुरान पाक पढ़ने का हक़ है उस अंदाज़ में कुरान पाक को पढ़ें और जो लोग सुनने के लिए आए हैं वो सुनने के लिए आएँ और उसको तवज्जो के साथ सुनें क्योंकि देखा यह जाता है कि बाज़त मस्जिदों के अंदर और बाज घरों के अंदर बंगलोज के अंदर ये किया जाता है और फिर वहाँ पर एक मेला लगा हुआ होता है खाने पीने की अशियाँ होती हैं और दूध होता है तो चाय हो रही होती है तो फिर इसके बाद खाना हो रहा होता है और एक बड़ी तादाद होती है कि जो इन चीज़ों के अंदर लगी हुई होती है तो ये मकासद नहीं है आप कुरान मजीद फरक़ान हमीद की तिलावत सुनने के लिए आए हैं तो तवज्जो के साथ आप कुरान मजीद फुरान हमीद की तिलावत सुने तो ये जो खराबियाँ हैं इसको दूर करके अच्छे अंदाज़ में शबीना किया जाए तो ये महबूब है पसंदीदा चीज़ है